हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेन गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों यहाँ पे बड़ी खबर है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, ऑफिशियल नोटिस है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि नई वैकेंसी जो है कब तक आएगी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी, और भी जो MTS हो गया आपका, 10+2 का हो गया, जितनी भी वैकेंसी है कब तक आएगी। यहाँ पे कैलेंडर जारी हो गया है, उसमें जितने भी SSC जितने भी एग्जाम कराती है सभी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। दोस्तों इसका PDF अगर आप चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ऑथेंटिक वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तब भी वहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलेंडर किस किस का जारी हुआ है। ठीक है, SSC का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उसका क्या आगे का प्रोसेस क्या है, और नई वैकेंसी जो है कब तक आएंगी, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2021-22 यहाँ पे दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका CGL का जो है CGL 2021 एग्जामिनेशन 2021 यहाँ पे Tier 1 यहाँ पे डेट एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे नई वैकेंसी जो आएगी आपकी 23/12/2021 यानी कि 23 तारीख को आपकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा CGL का। ठीक है, CGL का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है आपका 23/1/2021 यानी कि 23/1/2022 से, यानी कि 23 जनवरी 2022 में आपका यहाँ पे जो है क्लोजिंग डेट होगा। और एग्ज़ाम कब तक कराएगा दोस्तों, यहाँ पे टेंटेटिव कैलेंडर भी है, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, टेंटेटिव कैलेंडर है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे संभावित तिथि जो है जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे जो है आपका अप्रैल 2022 तक, यानी कि अप्रैल तक आपका यहाँ पे जनवरी में फॉर्म अप्लाई हुआ, अप्रैल तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10+2 का जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी यहाँ पे लेवल एग्जामिनेशन CHSL जिसे कहते हैं CHSL, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका डेट एडवर्टीजमेंट जो आपका 1 फरवरी को आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को आ जाएगा इसका एडवर्टीजमेंट, और क्लोजिंग डेट क्या होगा, 7 मार्च 2022 यहाँ पे क्लोजिंग डेट होगा इसका, और मई में इसका एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और इसके बाद क्या है MTS, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों 2021 की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये कब आ जाएगी आपकी वैकेंसी, 22 तारीख को आ जाएगी आपकी वैकेंसी, 22/3/2022। ठीक है, 22 मार्च को आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, और 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2022 लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो होगा आपका जून में इसका एग्ज़ाम करा जाएगा। ठीक है, 22 जून 2022 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10 2022 इसका जो है एडवर्टीजमेंट कब आ जाएगा आपका, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा आपका ये 10/5/2022 और 9/6/2022 यहाँ पे क्लोजिंग डेट हो जाएगा, और इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका जुलाई 2022 में होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा आपका 17 मई का। ठीक है, 17 मई को एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, और 16 तारीख का यहाँ पे, ठीक है, 16/6/2022 क्लोजिंग डेट होगा, और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। दोस्तों यहाँ पे बेसिक यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका SSC का, ठीक है, SSC का हम यहाँ पे देखेंगे कि SSC का यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, SSC का हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आगे का क्या था, यहाँ पे रिक्रूट हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर जो है आपका, सब इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस का जो यहाँ पे कराता है एग्ज़ाम, तो SSC कराता है, इसका भी एग्ज़ाम कराता है, तो ये आपका अगस्त में आ जाएगा 2022 14 अगस्त 2022 को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो होगा आपका 13/9/2022, और इसका एग्ज़ाम जो होगा आपको दोस्तों December 2022, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक होगा। ठीक है, 2022 लास्ट तक ही होगा, और जूनियर यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो है, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो का यहाँ पे जो होगा, इसका जो आपका आ जाएगा 22 अगस्त का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, और 21 अगर यहाँ पे 21 सितंबर का आपको यहाँ पे लास्ट डेट होगा, और इसका भी एग्ज़ाम जो है आपका होगा
दिसंबर में होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट एंड आईएमडी एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे जो होगा आपका 29 अगस्त को एडवर्टीजमेंट आएगा और 28 सितंबर 2022 यहाँ पे लास्ट डेट होगा, और इसका एग्जाम कब होगा, जनवरी 2023, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक साल बिता के पूरा यहाँ पे जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया, ठीक है। दिसंबर अभी चल रहा है, 2023 तक का ही कैलेंडर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और रिक्रूटमेंट यहाँ पे एमटीएस का जो है दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे 10 तारीख अक्टूबर में आपका, 11 अक्टूबर को आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और नवंबर में आपका लास्ट डेट होगा। फरवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। फरवरी 2023 में एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे मतलब कि एक तरीके से देखेंगे कि आपको आशा दिलाया जा रहा है, ठीक है, कि फॉर्म आएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, फिर इसका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का जो है आपका नवंबर में आएगा, 28 नवंबर को आपका एडवर्टीजमेंट का ये डेट आएगा और 27 दिसंबर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 27 दिसंबर का आपका क्लोजिंग डेट होगा और मार्च 2023 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। मार्च 2023 में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों जो मेन हम जिस पे बात करने वाले थे, स्टेनोग्राफर का, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। 2021 का जो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, ये आएगा आपका दिसंबर 2022 में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा और 31 दिसंबर 2023, ठीक है, 31/12/2023 इसका क्लोजिंग डेट होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक साल तक एडवर्टीजमेंट आया, फिर क्लोजिंग डेट एक साल तक जाएगा, कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साल का पूरा डिफरेंट दिखा रहा है, ठीक है। क्लोजिंग डेट देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है एडवर्टीजमेंट जो है आपका 5/12/2022, ठीक है, और 31/12/2023, और इसका अप्रैल में, देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा गलत है, ठीक है। जो अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम कराएंगे, तो ये दिसंबर तो इसका क्लोजिंग डेट है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम कैसे करा लेंगे, यहाँ पे दोस्तों पूरा गलत है, ठीक है, पूरा गलत है। 5 तारीख का आपका यहाँ पे 2022 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2023 नहीं 2022 होगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ जो है आपका 2023 नहीं रहेगा, 2022 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम करा लेंगे, तो लास्ट जो है इसका क्लोजिंग डेट जो दिया है इन्होंने दिसंबर 2023 का दिया है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम कैसे करा लेंगे, क्लोजिंग डेट तो बाद का है, तो एग्ज़ाम पहले कैसे करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कांस्टेबल का जो है, मेल फीमेल कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे जो आपका आएगा एग्ज़ाम एडवर्टीजमेंट आएगा आपका जनवरी 2023 में आएगा, और यहाँ पे फरवरी 12 जो है 2023 का यहाँ पे क्लोजिंग डेट होगा, और मई में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, 2023 मई में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और कांस्टेबल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यहाँ पे जो होगा दोस्तों एसएसएफ और जीडी का जो होगा आपका 22 फरवरी 2023 का एडवर्टीजमेंट आएगा, 2023 में इसका एडवर्टीजमेंट आएगा, और 31 मार्च 2023 इसका जो है क्लोजिंग डेट होगा, और जून में आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक त्रुटि है, आप लोग देखिएगा स्टेनोग्राफर का जो है यहाँ पे 2023 के बजाय 2022 होना चाहिए, ठीक है, 2022 होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में आपका जो है क्लोजिंग डेट है, तो अप्रैल में एग्जाम नहीं करा सकते। आई होप दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।